आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदन केलं, यानंतर त्यांनी जनतेला संबोधित केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळवून 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या शुभेच्छा दिल्या. मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं. तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए, हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे. कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते. राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते. आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े. मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पर मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास. भारत का विकास हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए. हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं. ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं. लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है. हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है. हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा. उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा. उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा. हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करे. जयेश दर्भी कलेक्शन कॉटन लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंग साठी जयेश दर्भी कलेक्शन 7 रस्ता मोदी पंखा विहिरी जवळ सोलापूर.